बाहर तो जबरदस्त बारिश लगी हुई है। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो बाहर तो कमाल की और खतरनाक सी बारिश लगी है और आज पूरा दिन बारिश होने वाली है ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। तो आज बस में जाना पड़ेगा। टाइम अभी 8:10 हो रहे हैं और सबसे मेन और सबसे पूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आज व्लॉग अभी तक एडिट नहीं हुआ है क्योंकि कल रात को सोया था मैं 11-12 के करीब। तो बाकी एडिटिंग करी थी और व्लॉग मैंने सोचा कि सुबह उठ के कर लूँगा जल्दी से एडिट। तो पता नहीं था बारिश होएगी क्योंकि कल तो कमाल का मौसम था। तो सुबह मेरी आँख खुली 7:30 और बाहर देखा पूरा ब्लैक हुआ है, बारिश वाला मौसम था। तो फिर मैं सोचा बस में चल जाऊँगा, व्लॉग अभी तक एडिट नहीं हुआ है, पहले वहाँ स्टूडियो जाके व्लॉग एडिट करूँगा देन उसके बाद अपलोड करूँगा। तो लेट आएगा आज व्लॉग, तो छोड़ूंगा नहीं, व्लॉग ज़रूर आएगा। तो अभी बस में निकलते हैं यहाँ से फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट में भिंडी की सब्जी, दही और चपाती, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं फिर। सो गाइस, घर से तो मैं निकल गया हूँ और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगी हुई है, अभी बस आने को 10 है तो वेट कर लूँगा यहाँ बैठ के। सो गाइस, मैं तो नूरपुर पहुँच गया और मैं पैदल स्टूडियो के लिए भी जा रहा हूँ क्योंकि नेहा को कोई पता नहीं है, वहाँ पे भी कुछ इंसिडेंट हो गया। जहाँ से वो आती है रास्ते में खड्ड पड़ती है, कह रही पानी आ गया खड्ड में बहुत ही ज़्यादा, तो पता नहीं अब कह रही मना कर रही है। मैं कहा देख ले अगर होता है कुछ, तो कह रही बस वगैरह रुक गई है वहाँ पे, नहीं आ पा रही है। तो मैं जा रहा हूँ स्टूडियो में क्योंकि मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, तो वहाँ खड़े होकर मैं बस स्टैंड पे कर नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं स्टूडियो चल जाता हूँ। उसका पता नहीं अब आती है या नहीं आती है, पूरी सड़कें पानी से भरी हुई हैं। तो गाइस, मैं तो स्टूडियो पहुँच चुका हूँ और नेहा भी आ रही है, थोड़ा सा लेट हो जाएगी तो मैं तो अभी यहाँ बैठ के एडिटिंग कर लूँगा मस्त। उतनी देर में जितनी देर तक वो आएगी मैं एडिटिंग करके व्लॉग वगैरह डाल भी दूंगा। तो नेहा भी आ रही है। हाँ जी, बड़े लेट चले हो आज, 11:00 छाती को बाहर मेरे को पता था कुछ ना कुछ तेरे मुँह चलेगा चलेगा, मैंने मंगवाया नहीं, मेरे को पता आज। थैंक यू, हाँ अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, सो गाइस मेरी तो एडिटिंग चली है, अभी तक व्लॉग भी एडिट नहीं हुआ, सुबह के 11 बजने वाले हैं यहाँ पे। और बताओ, इतनी बारिश है, बड़ी बारिश भी आ जाना। मैं तो बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ। क्यों? भगवान का जो ना, थोड़ा थोड़ा सा पानी कम हो जाए ना, बस घुसा दी बीच में, बस घुसा दी नदी के बीच में, बस घुसा दी, बस डूब जाती तैर जाती बस। फिर मैं पूरा मैंने सारा ऐसे काम बंद किए हुए थे, मैं दिया मां के बंद थी मेरी, ऐसा क्योंकि जान पड़ने थे, पहले तो वैसे जान पड़ने जा पाना था। मतलब तुम्हारे आगे भी पानी था, पीछे भी पानी था, हाँ बीच में फंस गए, अभी पानी में बस बह जाती, फिर बह जानी थी। ये क्या है, मिठाई लेके आई है लड़की, पता नहीं क्या है मेरे को, मतलब क्या है, मिठाई है ना। ओहो माय गॉड, ये कहाँ से चोर के लाई, चोर के क्या लाई, बुझी घर से चोर के लाई ना, बुझी क्या कह रहे, कहते ले जा तू, तू मेरे को बता ना प्लान क्या तेरा, मतलब सर मैं डर तो रही यार, मैं सबको समझा समझा के सुबह से थक गई हूँ, सबको क्यों समझा रही हूँ, मुझे समझा ना, मुझे पता नहीं क्या समझता, मुझे सुबह से गुस्सा कर रहे हो बिना मतलब से, मैंने कब गुस्सा किया, गुस्सा किया आपने, मैं कब किया, मेरे को आवाज में कितनी बड़ी सिचुएशन में हूँ, पहले मुझे घर में छोड़ने, घर से छोड़ने निकले हम सारे, इतनी बारिश थी जैसे सारी बारिश ना आज ही थी, वो निकले हम जैसे हम पुपरिया के पास पहुंचे, आगे पेड़ गिरा हुआ था, बस रुकी हुई थी, वो तो कहते आगे बस जा रही है, मैं बंदर में 11:12 पाँच मिनट बाहर रुके, बस पीछे मोड़ने गाड़ी लगे मोड़ने पीछे, बस वाले ने गाड़ी साथ मार दी, बस पीछे से वो उसको वो पड़ गया, और डेंट सा क्या पड़ता है वो पड़ गया, फिर वहाँ खड़ गए किंदर, वहाँ पर टाइम वेस्ट किया, फिर वो बस वापस मुड़ के आई, उसने आता बंडा साइड से पकड़ डाला, हम उसमें बैठ गए, एक दो हमने जो खड्ड से थी वो क्रॉस कर ली कैसे न कैसे, एक खड्ड पे रुक गए, इतना पानी था, इतना प्रेशर था वहाँ पे, थोड़ी सी बात पॉइंट पर पानी कम हुआ तो लोग कहते दाल डाल दो, कुछ ना कुछ ना कुछ था वहाँ डाली, वैसे वहाँ से निकले यहाँ पहुँचे, मेरे को 2 फ़ोन आ गए दीदी होंगे ऐसे ऐसे, राखी बना दे, हमको कौन बना देंगे, उसको कौन बनाएगा, मुझे घर जाना पड़ेगा फिर से, सेल के घर जाना पड़ेगा, वहाँ उसको राखी बनानी पड़ेगी, फिर अपने घर जाना पड़ेगा। सो गाइस, मौसम काफ़ी सही हो रहा है और अभी मैं आया ऊपर काम छोड़ के अपना रील्स बनाने के लिए, काफ़ी कमाल का वेदर हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी लगी है ना, मज़ा आ रहा है यार, बारिश नहीं होती तो मज़ा आता है यहाँ पे ना, हल्की हल्की बूंदे गिरी है, मज़ा आ भी रहा है वैसे इन बूंदों के साथ, मज़ा आ रहा है, रील्स बड़ी सही बनेंगी यार। जैसा आप देख सकते हो हम लोग जो है घर जा रहे हैं, एंड आपके देखोगे वैसे सो हम फाइनली फ्री हो चुके हैं और जा रहे हैं घर की तरफ, और बारिश बहुत ज़्यादा, सुबह से बारिश लगी हुई है आज, एंड देखो भाई क्या हाल है, बैग हाथ में और खाते लिए हुए, सो चलते हैं, जाना तो पड़ेगा ही, आज तो बाइक भी लाए, सो तो बस स्टैंड पे भी हम पहुँच चुके हैं और नया की बस यहाँ लगेगी, वो आई नहीं अभी तक, मेरी आएगी बस, आ गई है, ठीक है भाई,
और भाई साहब बस में भीड़ देखना कितनी ज्यादा है, पूरी बस भरी हुई है। तो घर पे ही पहुंच गया हूँ और यहाँ पे तो हल्की हल्की बारिश अभी भी लगी हुई है। आज पापा जी भी नहीं गए, कहाँ जाते इतनी बारिश में। तो चलो मम्मी से पूछते हैं गाड़ी दे दो यार, कोई पैसे हैं गाड़ी पे? पैसे पैसे गाड़ी गाड़ी करता है यार, मेरे को पता नहीं क्या, मैं रोज करता हूँ। मेरे पास आता मम्मी कौन सी गाड़ी लेनी है, पैसे बड़े हैं इसके पास। मेरे को बस यही लगता है, मतलब पता नहीं क्या है, गाड़ी करना था करियर है ना, तो मैं जब भी मम्मी के पास बैठूँ, मम्मी ये वाली गाड़ी देखो है ना अच्छी, ये ले ले ये ले, ऐसे मतलब कि अपने ख्वाब पूरे करता हूँ इसी से बोल बोल के ही। और जब नेहा के पास होंगे तब भी उसको भी ऐसे करते रहूंगा। ले दो यार या वेन्यू ले दो या पंच ले दो, मैं तो लेके दे। ये दो गाड़ियाँ हैं यार, एक जो सस्ती सस्ती हैं, ऐसे दिल थार लेने का, थार थार सपने नहीं कभी पूरे होते, सपने क्यों नहीं पूरे होते, मैंने तो करे सपने पूरे होते, सपने पूरे करने वाला चाहिए बस। और मम्मी जी बैठ के अभी मेरा व्लॉग देख रहे हैं आज वाला, आज मैं लेट डाला था ना मम्मी, तो देख रहे हैं अभी। अभी पापा जी भी आ गए और व्लॉग देखने लगे। अभी पापा जी को वाला सीन दिखाओ, वाला सीन दिखाओ पापा को। कुछ बारात जल्दी आ गई, जल्दी आ गई, क्या मस्त लग रहे हैं दोनों, मेरा व्लॉग देख रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आ गया हूँ बाहर, और एक अमरूद भी है मेरे पास, घर पे कोई दे गया था। तो चलते हैं बाहर, थोड़ा बहुत टहलते हैं, खेल तो पाएंगे नहीं क्योंकि ग्राउंड गिल्ला होगा, आप सभी को पता है। तो बाकी चलते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए माइंड, तो दोस्तों के साथ बातचीत करके थोड़ा सा हंस के। और आज काफ़ी दिनों के बाद पहाड़ पूरे ग्रीन ग्रीन हुए हैं, इतने दिनों के बाद धुंध भी हटी है, पूरा क्लियर दिख रहा है आज तो। अपना डिनर भी यहाँ पे आ गया, पता नहीं किस चीज़ की खिचड़ी बनाई है मम्मी ने। तो गाइस सुबह के 6:30 हो गए और रात को पता नहीं चला मैं कब सो गया, थोड़ा सा लेट आऊँगा पहले की तरह, और फिर से सो गया। तो व्लॉग भी एडिट नहीं करा, आधा एडिट करा था मैंने, और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो पता नहीं, चलो जो भी है अभी व्लॉग को एडिट करूँगा और फिर उठ के बाकी रेडी शेडी होकर, आज पता नहीं काम पर भी जाते हैं नहीं जाते हैं। सो बाकी तो इस व्लॉग को ये एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।